हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे स्किप काउंटिंग। इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कितने नंबर स्किप करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा। इसके लिए हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे बच्चों को बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे कि स्किप काउंटिंग कैसे सीखना है और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप बच्चे को आप कोई भी नंबर दोगे उसके बाद बच्चे बहुत ही आसानी से स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं स्किप काउंटिंग को कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप काउंटिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे स्किप काउंटिंग टूज करना है हमें, यानी हमें टू की स्किप काउंटिंग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों को पहले हम किस नंबर की स्किप काउंटिंग कर रहे हैं, टू की। तो हम यहाँ पे टू लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। कितनी लाइंस, टू, वन टू। हमने बच्चे को बताया कि जितने भी नंबर की हम स्किप काउंटिंग करने वाले हैं उतनी लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम नंबर टू की स्किप काउंटिंग करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टू लाइंस ड्रॉ कर ली। और उसके बाद जिस नंबर की हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं उसको सबसे पहले हम वहां लिख देते हैं। अब हम टू के आफ्टर यानी टू के बाद जो भी नंबर आता है वहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे टू के बाद क्या आता है, हमारा थ्री आता है। और ये जो हमारी लास्ट हमने जो लाइन ड्रॉ की है वहां पर जो नंबर आएगा वही हमारा स्किप बाय टू होगा। जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया टू, टू के आफ्टर यानी टू के बाद क्या आता है, थ्री और फोर। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, फोर। तो टू का नेक्स्ट क्या होगा, हमारा फोर। तो यहाँ पे स्किप बाय टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, फोर। ऐसे ही अब हम जब फोर के लिए करेंगे तो फोर के आफ्टर काउंट करेंगे, यानी फोर के आफ्टर या फोर के बाद। फोर के बाद क्या होता रहा, फाइव एंड सिक्स। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, सिक्स, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा सिक्स। स्किप बाय टू की हम ये सीख रहे हैं। तो हम टू की सीख रहे हैं इसलिए हमने टू लाइंस ड्रॉ की हुई है। फिर हम यहाँ से टू के आफ्टर काउंट किया, थ्री फोर, तो हमारा नंबर आया फोर। फिर हम फोर के आफ्टर काउंट करेंगे, फाइव सिक्स, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आया सिक्स। अब हम सिक्स के आफ्टर काउंट करेंगे, सेवन एट, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, एट। बच्चों को बताना होगा कि ये जो पहले लास्ट वाली लाइन को छोड़ के जितनी भी लाइन्स है उसमें हमें साइलेंट काउंटिंग करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक बताती हूँ, एट, एट के आफ्टर क्या आता है, नाइन। नाइन को अपने मन में या स्लो बोलना है, नाइन, टेन। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेन। नेक्स्ट टेन के आफ्टर इलेवन, ट्वेल्व, तो हम यहाँ पुट करेंगे ट्वेल्व। ट्वेल्व के थर्टीन, फोर्टीन, नेक्स्ट नंबर होगा हमारा फोर्टीन। फिफ्टीन, सिक्सटीन, नेक्स्ट नंबर हमारा सिक्सटीन, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, तो बच्चे को जितना है वो इजीली कर सकता है। अब जैसे सपोज दैट मैं नंबर थ्री के लिए स्किप काउंटिंग करेंगे, तो नंबर थ्री के लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, हम नंबर यहाँ पे थ्री लिखेंगे और हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, जितनी की हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं उतना ही लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, थ्री लाइंस, वन टू थ्री, ये हमने थ्री लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वही रूल जो थ्री के आफ्टर यानी तीन के बाद काउंट करेंगे, फोर फाइव सिक्स। और जो भी नंबर लास्ट लाइन पर आ रहा है, जो हमने ड्रॉ करी हुई है लाइन, जो लास्ट नंबर आ रहा है वही इसके बाद नेक्स्ट होता है। तो थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स, तो हमारा कितना आ जाएगा, सिक्स। नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, सेवन एट नाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाइन। नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, टेन इलेवन ट्वेल्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व। अब ट्वेल्व के आफ्टर काउंट करेंगे, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिफ्टीन। नेक्स्ट हमारा होगा फिफ्टीन के बाद काउंट करना है, सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन, तो हमारा यहाँ आएगा एट्टीन। नेक्स्ट एट्टीन के आफ्टर यानी एट्टीन के बाद काउंट करेंगे, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, तो हम यहाँ पे ट्वेंटी वन। नेक्स्ट ट्वेंटी वन के बाद काउंट करेंगे, ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर, तो हमारे यहाँ पे आएगा ट्वेंटी फोर। और ये हमारा ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी मैं बताती हूँ। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा
स्किप काउंटिंग बाय फोर। तो फोर के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर फोर लिखेंगे, और हम फोर के लिए कर रहे हैं इसलिए हम फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। और अब हम फोर की स्किप काउंटिंग सीखेंगे, तो उसके लिए हम सेम मेथड, फोर आफ्टर फोर काउंट करेंगे, 5 6 7 8। तो जो हमारा लास्ट लाइन पर जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे 8। यानी स्किप बाय फोर का पहला नंबर 4, फिर 8, ऐसे हम नेक्स्ट निकालते चले जाएंगे, 8 के बाद 9 10 11 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। हम नेक्स्ट नंबर हमारा 12 आया, तो 12 के बाद काउंट करेंगे, 13 14 15 16, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। नेक्स्ट 16 के बाद काउंट करेंगे, 17 18 19 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। नेक्स्ट नंबर काउंट करेंगे 20 के बाद, 21 22 23 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम 24 के बाद काउंट करेंगे, 25 26 27 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम 28 के बाद काउंट करेंगे, 29 30 31 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32। ऐसे हम आगे भी निकालते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, जैसे स्किप काउंटिंग बाय लिख लेते हैं 5 की देखते हैं, 5 की कैसे करना है, 5। तो सेम मेथड, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, और कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 1 2 3 4 5। अब 5 के आफ्टर क्या आएगा, स्किप बाय 5 सीख रहे हैं इसलिए 5 के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 5 के बाद काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब 10 के नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हम 10 के बाद काउंट करेंगे, 11 12 13 14 15, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 15। अब 15 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है वो भी हम पता करेंगे, तो 15 के बाद काउंट करेंगे, यानी आफ्टर 15 काउंट करेंगे, 16 17 18 19 20, तो हमारा हो गया 2020। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आने वाला है वो भी हम ऐसे ही पता कर लेंगे, 20 से 21 22 23 24 25, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 25 के बाद काउंट करेंगे, 26 27 28 29 30, तो हमने यहाँ लिखा 3030। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 31 से काउंटिंग करेंगे, 3030 के आफ्टर क्या आता है, 3131, तो 31 32 33 34 35, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35। अब 35 के नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम 35 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे, और जो नंबर लास्ट लाइन पे आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, तो 35 के बाद 36 37 38 39 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट चलता चला जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे बच्चों को बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें हौच पौच नहीं होने वाला है, बस हमें बच्चों को बताना है कि जितनी भी नंबर की हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं उतनी लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है, और जो लास्ट लाइन पर जो आ रहा है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लिखते चले जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम टेंस की देख लेते हैं, टेंस के लिए कैसे लिखते हैं, टेंस के लिए तो सिंपल है, हमने यहाँ पे 10 लिखा। नेक्स्ट के लिए पहले हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, और इसके साथ हम क्या करेंगे, 0 पुट करते चले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80। देख लेते हैं ये सही है क्या, जैसे हमने 10 लाइंस ड्रॉ करी, तो यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे हमारा 20। फिर नेक्स्ट नंबर ऐसे हम काउंट करेंगे, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो यहाँ पे 30, ऐसे हम करते चले जाएंगे। बट ये जब बच्चे को प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बच्चा बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है। बट अगर आप बच्चे के पास कॉपी पेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को आप फिंगर से भी बता सकते हो। जैसे सपोज दैट किसी ने पूछा कि उसके स्किप बाय 3 बताओ बेटा, तो उसके पास कॉपी पेन नहीं है तो वो क्या करेगा, हम बोलेंगे उसको
अरे इसके बाय थ्री पूछा हुआ तो हम थ्री फिंगर करेंगे, थ्री फिंगर और इसके बाय थ्री, तो थ्री के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे 4 5 6, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 6, फिर आफ्टर 6 काउंट करेंगे यानी 6 के बाद काउंट करेंगे 7 8 9, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 9। तो हम विदाउट कॉपी पेन के भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी ने पूछा कि बताओ बेटा इसके बाय 5 बता सकते हो, बोले यस, कॉपी पेन तो है नहीं उसके पास, तो कोई बात नहीं, वो अपनी फिंगर यूज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 5, तो मैंने अपनी 5 फिंगर यूज की, और इसके बाय 5 है तो 5 फिंगर यूज कर ली, और उसके बाद हम आफ्टर 5 से काउंट करना शुरू करेंगे नेक्स्ट नंबर के लिए। तो 5 इसके बाय 5 का नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा उसको पता करने के लिए हम 5 के बाद से शुरू करेंगे, तो 6 7 8 9 10, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 10। फिर 10 के बाद नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए 10 के बाद से शुरू करेंगे काउंट करना 11 12 13 14 15, तो हमारा 15। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, बच्चों के लिए वीडियो लाती रहूंगी, जिससे कि बच्चों को कोई भी चीज सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो स्किप काउंटिंग का यही फॉर्मूला था।